आप लोगों को डेंगू के बारे में पता है बेटा? देखिए, जी मैम। डेंगू जो होता है, डेंगू के बारे में क्या आप जानते हैं, बताइए। मैम ये मच्छर और गंदगी से फैलता है और इसमें बहुत तेज फीवर आता है, पूरा शरीर दर्द होता है, सर में भी बहुत दर्द होता है और बहुत कमजोरी आ जाती है शरीर में। अच्छा, वेरी गुड। आशा, डेंगू के बारे में आप क्या जानती हैं? नए सब्जेक्ट मैंने बताया, जैसे कि मच्छरों से होता है, गंदे पानी से भी होता है, और जब पानी कहीं पर जमा हो जाता है तो मैम वहां पे मच्छर आते हैं, उससे होता है। देखिए, एक तो बात आपको याद रखनी है कि जो इसका पोषक यानी कि होस्ट होता है, पोस्ट यानी जिनसे बीमारी फैलती है, जो वाहक का काम करते हैं, वो दो करते हैं। एक तो वायरस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अरबो वायरस, अरबो वायरस, ठीक है। और एक तुम्हारा एडीज मच्छर होता है। तो अगर तुमसे कल को कोई पूछे, ठीक है, कि बताइए डेंगू के होस्ट या उस बीमारी को कौन दो जीव फैलाते हैं, तो पहला तो बेटा आपका आंसर होगा कि अरबो वायरस, और दूसरा आंसर होगा एडीज मच्छर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वो भी एडीज मच्छर है, मादा एडीज मच्छर। देखिए, एनाफिलीज अलग है बेटा और एडीज अलग है, तो दोनों बातों को आप याद रखिएगा। ठीक, क्यूलेक्स भी अलग होता है। अब इस वायरस के चार प्रकार होते हैं। देखो, अभी आपने ये पढ़ा कि अरबो वायरस और एडीज मच्छर से फैलता है, तो तुम्हें सबसे पहले वायरस का नाम लेना है, एक ये बात याद रखना। फिर तुम्हें एडीज मच्छर का नाम रखना है। सीक्वेंस कभी मत भूलना, यहाँ पे हर चीज का सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर पहले बोला गया तो पहले ही बोलना है, बाद में बोला गया तो बाद में ही बोलना है। आप देखो, यहाँ पे आपके चार पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि दिया गया है DENV फर्स्ट, ठीक है। एक तो ये प्रकार होता है, DENV सेकंड, ठीक है, फिर DENV थर्ड और DENV फोर्थ, ये इसके ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो ये चार प्रकार के वायरस होते हैं, DENV फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस बात को याद रखना। अब कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के स्ट्रेन से संक्रमित होता है, ठीक है, स्ट्रेन मतलब वायरस का एक स्ट्रेन होता है, एक पर्टिकुलर टाइप होता है। स्ट्रेन का मतलब समझो, स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि उसका एक कोई टाइप है, कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कि प्लस स्ट्रेन वाला है कि माइनस स्ट्रेन वाला, मतलब किसी एक विशेष कैरेक्टर के प्रति ज्यादा प्रभावी होना, जिससे उसका टाइप चेंज हो जाता है, तो स्ट्रेन उसे बोलते हैं। तो कॉमन भाषा में स्ट्रेन को समझने की टाइप है, ठीक। तो इस किसी यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के स्ट्रेन से संक्रमित होता है, चाहे वो DENV फर्स्ट से हो, ठीक है, चाहे सेकंड से हो, चाहे थर्ड से हो, या चाहे फोर्थ से हो, ठीक है, इन चारों के केस में तुम्हें यह याद रखना है कि उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है बेटा, उसकी जो प्रतिरोधक, ठीक है, क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, कम हो जाती है, ठीक है। और अगर एडीज मच्छर, देखो, एक तो संक्रमित कैसे होगा जब ये वायरस चार प्रकार के कोई भी एक इसमें इफेक्ट करेंगे, और इस रोग का ज्यादातर सुबह या शाम, देखो जैसे तुम लोग भजन करते हो, सुबह सुबह ले शिव का नाम, ठीक, या सुबह या शाम एडीज, मादा एडीज मच्छर के काटने से भी डेंगू फैलता है, सुबह या शाम, इस बात को याद रखना। और इसमें ये ताकत होती कि अगर एक व्यक्ति को ये हो गया तो दूसरे व्यक्ति को भी क्या करेगा, पहुंचा देगा, यानी दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये कैसी बीमारी है, संक्रमित मैम बीमारी है। संक्रमित हाँ, संक्रमित बीमारी, ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाती है, उस बीमारी को संक्रमित बीमारी कहा जाता है, ठीक है। अब इस
का जो प्राइमरी, अभी हमने बताया ना, देखो बार बार इसलिए इसमें लिखा भी हुआ है, इसका बेटा प्राइमरी होस्ट क्या है? अरबो वायरस, मतलब पहला होस्ट अरबो वायरस। दूसरा होस्ट क्या है? एडीज मच्छर। होस्ट उसे कहते हैं जिसके द्वारा ये बीमारी फैलती है, उस जीव को कहा जाता है। अब आगे देखो, कह रहा है कि जब ये वायरस, अगर ये वायरस मानव के शरीर में पहुंचेगा तो सबसे पहले उसे तेज बुखार या ज्वर आएगा। बात समझ में आ गई? उसको सबसे पहले क्या करे होगा? तेज बुखार या ज्वर आएगा। ठीक। इस तेज बुखार या ज्वर आने को इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनक्यूबेशन पीरियड। जो जैसे ही वायरस से संक्रमित होता है DENV1234 किसी एक से, तो उसमें क्या होता है, मनुष्य को तेज बुखार या फीवर आता है। तेज बुखार आने का जो समय होता है बेटा, उसे ही इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस मैम। चलिए अब आगे समझिए। देखिए, जब आपको ये पता चल गया कि इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो समझो कि जो ये इनक्यूबेशन पीरियड है, इनक्यूबेशन पीरियड जो इनका होता है बेटा, वो लगभग 10 से 12 दिन होता है, यानी इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, 10 से 12 दिन लग जाता है। ठीक। इनमें बुखार के साथ, क्योंकि 10 से 12 दिन बेटा एक तरीके से देखा जाए ज्यादा ही दिन होते हैं, है ना, कम नहीं ले सकते, मतलब 2 से 3 दिन तो समझ में आता है कम। अब यहाँ 10 से 12 दिन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है, समझो, सर दर्द होगा बुखार के साथ साथ। क्या होगा बेटा? सर दर्द होगा। उसके बाद मांसपेशियों में एठंसी आ जाएगी। जो भी मांसपेशियां होंगी उसमें क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? ऐठन आ जाएगी। ठीक है, इस बात को समझना। ऐठन के साथ साथ क्या होगा? जोड़ों में दर्द होगा। जोड़ों में क्या होगा? दर्द होगा। ठीक। अब आगे समझो, अगर डेंगू अत्यधिक संक्रमित अवस्था में पहुंच गया, व्यक्ति में डेंगू अत्यधिक संक्रमित अवस्था में पहुंच जाएगा, तो देखो बुखार के साथ साथ क्या होगा, बहुत ध्यान समझना, उसको पहले तो बुखार आएगा, ठीक, फिर उसका सिर दर्द होगा, सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, फिर उस बुखार सिर दर्द के साथ साथ नाक तथा कान से खून या ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी, ठीक है, खून बहेगा, ठीक है, तो नाक तथा कान से क्या होगी बेटा? ब्लीडिंग होगी। ठीक, लगातार होगी, रुकेगी नहीं जल्दी। तो ये बेटा डेंगू के बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण हैं, जो शायद सुनने को कम मिलते हैं, तो ये वाले पॉइंट याद रखना। ये एक साथ हमने इसलिए बता दी तुम्हें सब याद रहे। देखो तो पहले बुखार आता है, फिर सर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उसके बाद नाक तथा कान से ब्लीडिंग होने लगती है। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस मैम। अब देखिए उपचार में क्या करेंगे। देखो अच्छा, उपचार आपको समझने हैं। क्या कह रहा है कि वायरस संक्रमण के कारण डेंगू बीमारी से मनुष्य में एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। जब देखो वायरस से संक्रमित हो रहा है ना, जब भी वायरस से संक्रमण होता है तो बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन पाती। एंटीबॉडी वो होती है जो हमारे शरीर में, ठीक है, किसी बाहरी एंटीजन के प्रति कार्य करती है। यानी कि एंटीबॉडी का सीधा सीधा संबंध एंटीजन से होता है। एंटीबॉडी एंटीजन्स का उल्टा है। एंटीजन्स बेटा वायरस है तुम्हारा, बैक्टीरिया, ये सब होते हैं। अब एंटीबॉडी एंटीजन्स के प्रति कार्य करेगा, तो जब ये एंटीजन्स के प्रति कार्य करता है तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो हमारा शरीर मजबूत बनता है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इससे हमारा शरीर मजबूत बनेगा, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनता है, एंटीजन्स तो है लेकिन एंटीबॉडी नहीं बन रहा है, तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, कमजोर नहीं हो जाएगा, जो शरीर होगा वो कैसा हो जाएगा, कमजोर, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनती। जब इसमें एंटीबॉडी नहीं बनती है तो यह एक तरीके की बहुत ही अत्यंत गंभीर बीमारी है ये, समझे। एक तो हमने बताया था ना, क्या बताया था तुमको, हमने बताया था कि प्रोटोजोआ, फिर हमने बताया था एस्किहेलमिंथीज, फिर हमने बताया था कि बैक्टीरिया, फिर हमने बताया था वायरस। इन तीनों का इलाज तो तुम करवा भी सकते हो, इन तीनों का, ये जो दी हुए, लेकिन इसका इलाज बड़ा डिफिकल्ट है। इसे सिर्फ मतलब एक तरीके से रोकथाम की जा सकती है, उसमें सफलता भी मिली है, उपचार भी है, लेकिन अभी भी वायरस बहुत खतरनाक चीज है, कैसी भी बीमारी हो। जैसे कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यहाँ कोविड ही है, कोविड आज भी इफेक्टिव है, समझे ना, तो इस बात को याद रखना। अब अगर इनके उपचार की बात की जाए, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को, थोड़ा मेरा गला खराब है, यस ठीक है। मैम, आ रही आवाज मैम। यस मैम, देखो उपचार में आप लोग को मतलब जैसे कि वैसे तो इसका कोई ज्यादा खास उपचार नहीं है, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, अब चाहे वायरस हो या मच्छर हो, मेरी बात को समझना, ये बेटा आसपास के माहौल में पाए जाते हैं और ये दोनों ही संक्रमण से फैलते हैं, एक दूसरे के छूने से फैलते हैं, तो हमें बस सबसे पहले तो साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, एक तो ये बात, सैनिटेशन हो आसपास, साफ सफाई का ध्यान देना है, कोई भी चीज हम छुए तो हाथ धुल लें, साफ सफाई का ध्यान रखें, इस बात का आप, और इस रोग से बचने के लिए रोगी को बस सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल दी जाती है, पैरासीटामोल ही उसको दी जाती है, इस बात को आप तो ध्यान देंगे, ठीक है, तो इस बात को आपको समझना, क्या आपको ये बात समझ आई। तो यस मैम। ये थी बेटा आपकी डिसीज जिसका नाम था डेंगू, आई होप कि आपको समझ आई होगी। चलो अब